चुनावी माहौल में देश भर के नेताओं के साथ साथ लोगों पर भी चुनावी रंग चढ़ने लगा है। नेताओं के हेलीकॉप्टर भी आसमान में मंडराने लगे हैं। हालांकि पीएम मोदी इन नेताओं में सबसे आगे चल रहे हैं। पीएम लगातार विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को झारखंड और बंगाल में थे, तो शनिवार सुबह बंगाल, दोपहर में बिहार के नवादा, तो शाम को बेगूसराय पहुँच गए। बिहार सरकार बदलने के बाद पीएम मोदी पहली बार यहां पहुंचे। पीएम मोदी का औरंगाबाद में जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम नीतीश भी उन्हें माला पहनाने के लिए आगे बढ़े, तो पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें ही माले के अंदर कर दिया। इसके बाद जब सीएम नीतीश लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने मंच से कुछ ऐसी बात कह दी कि पीएम मोदी भी ठहाके मारने के लिए मजबूर हो गए। नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कह दिया, आप खुद ही देख लीजिए। किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, पांच से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग पांच से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिलकर के हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की, आगे ये वीडियो देखिए। 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं, इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। आज यहां आमस दरभंगा 4-लेन कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। आज ही दानापुर बेहटा 4-लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ है। पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी हुआ है और यही एनडीए की पहचान है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के गारंटी है। आज भी भोजपुर जिले में आरा बाईपास रेल लाइन की नींव भी रखी गई है। आज नमामि गंगे अभियान के तहत भी बिहार को 12 परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुझे पता है कि बिहार के लोग और खासकर औरंगाबाद के मेरे भाई बहन बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे से यूपी भी केवल कुछ घंटों की दूरी पर रहेगा और कुछ घंटे में ही कोलकाता भी पहुंच जाएंगे और यही एनडीए के काम करने का तरीका है। बिहार में विकास की ये गंगा
बहने जा रही हैं। मैं इसके लिए आप सभी को, बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं, आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग, जनता साथ देने को तैयार नहीं है। और ये है आपके विश्वास, आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत। जब सीएम नीतीश ने इससे पहले एनडीए छोड़ महागठबंधन से हाथ मिलाया था, उस वक्त बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए कहा था कि अब नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाज़ा बंद हो चुका है। हालांकि अब चुनावी माहौल है तो फिर से नीतीश भाजपा के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और भरे मंच से पीएम मोदी का साथ देने की बात कह रहे हैं। राजनीति में चुनाव के समय कई दुश्मन दोस्त बन जाते हैं तो कई दोस्त दुश्मन। अभी लोकसभा चुनाव तो शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में ऐसे ही राजनीतिक दोस्ती और दुश्मनी दिखाई पड़ती रहेगी। शब्दसाक्षी आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी जानकारियां पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद।